मैं अजय श्रीवास्तव और मेरा मोबाइल नंबर है 8104857064। रिकॉर्डिंग है तो इस पर संपर्क करें। और इसमें अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और इसमें आगे चल रहा है लेवल 1 कक्षा 1 से 5 के लिए रीट के विद्यार्थी हेतु, और लक्ष्य गाइड से इसमें है और विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और रीट 3 और ट्रैक 1 है, और इसमें टॉपिक है वृद्धि एवं विकास की संकल्पना एवं सिद्धांत। वृद्धि और विकास की संकल्पना। वृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार में वृद्धि से है, और वजन लंबाई और आंतरिक अंगों के आकार का बढ़ना ही वृद्धि है। और दूसरे शब्दों में वृद्धि से अभिप्राय है मात्रात्मक परिवर्तन अर्थात वह परिवर्तन जिसे कि मापा जा सकता है। सॉरेंसन के अनुसार ही सामान्य रूप से भी अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, और इस वृद्धि का मापन किया जा सकता है। और अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष को प्रकट करती है। वृद्धि एक क्रमिक प्रक्रिया होती है, और शैशवावस्था में वृद्धि तीव्र, बाल्यावस्था में मंद व 11 वर्ष की आयु में वृद्धि तीव्र हो जाती है। और परिपक्वता प्राप्त होने पर भी अभिवृद्धि रुक जाती है, और आकार में वृद्धि में अतिरिक्त शरीर में भी अन्य परिवर्तन भी होते हैं, और जिसमें कि शरीर के अंगों के रूप में भी जो है परिवर्तन और उनकी जटिलता को प्रकारों में वृद्धि और सोचने संबंधी की योग्यताओं में सामाजिक कौशलों के में वृद्धि शामिल है। और दूसरे शब्दों में हमारी मात्र वृद्धि ही नहीं होती है बल्कि विकास भी होता है, और विकास में अभिप्राय है मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ ही गुणात्मक परिवर्तन, और इसमें केवल संरचना संबंधी परिवर्तन ही नहीं बल्कि प्रक्रियात्मक परिवर्तन भी शामिल है। विस्तृत अर्थ में विकास से तात्पर्य है शारीरिक और तांत्रिक संरचना और विचार प्रक्रियाओं और व्यवहारों में समय के साथ साथ होने वाले क्रमबद्ध और अपेक्षाकृत स्थिर परिवर्तन, जिसमें कि प्रत्येक जीव जीवन के प्रारंभ से अंत तक ही गुजरता है। और वृद्धि जो है विकास की बृहत्तर प्रक्रिया का केवल एक पहलू है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार विकास वह दशा होती है जो कि प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से अभिव्यक्त होती है। वह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक होती है, और यह विकास तंत्र को सामान्य रूप से भी नियंत्रित करता है, और यह प्रगति का मानदंड है जो कि किसी भी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। विकास शब्द का प्रयोग व्यक्ति की उन शारीरिक और व्यवहारिक विशेषताओं में परिवर्तन के लिए भी किया जाता है जो कि क्रमानुसार उभरते हैं। अतः इन परिवर्तनों की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। पहले तो वे प्रगतिशील होते हैं, दूसरा इसमें क्रमबद्धता होती है, और तीसरा वे काफी समय तक टिके रहते हैं। प्रगतिशील शब्द का तात्पर्य है कि इन परिवर्तनों की वजह से बालक को ऐसे कौशल व क्षमताएं प्राप्त होती हैं जो कि पहले कौशलों से अधिक जटिल, उत्कृष्ट और अधिक प्रभावशाली हैं। क्रमबद्धता से तात्पर्य है कि विकास एक क्रम से होता है, और विकास का प्रत्येक चरण पहले वाले विकास पर आधारित होता है और इससे पहले नहीं होता है। और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि व्यक्ति अधिक सरलता और सामर्थ्य के कार्य करना सीखता है। विकास का स्वरूप ही मानव विशेषों की शारीरिक रचना जितनी भी सरल दिखाई देती है उसका व्यवहार उतना ही जटिल होता है। और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के पिछले वर्षों का स्मरण करके भी ये जान सकता है कि वह पहले की अपेक्षा अब कितना बदल गया है। व्यवहारिक दृष्टि से जैविक संरचना एवं मानसिक क्रियाओं में अनुसुनिश्चित ढंग से भी होने वाले परिवर्तन को ही विकास कहते हैं। और विभिन्न अवस्थाओं में बालकों में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास तथा चारित्रिक विकास होता है, और इन विकासों को निम्न 3 पक्षों में विभक्त किया जा सकता है। पहले तो संज्ञानात्मक मूलक, संज्ञान मूलक पक्ष से विकास के लिए भी आवश्यक है कि बालक को विचार विमर्श करने की भी, सोच समझ करके कार्य करने की भी, कार्यों के परिणामों पर विचार करने की तथा आत्म संयम की शिक्षा दी जाए। दूसरा भाव मूलक में एक पक्ष पर अधिक बल देने से व्यक्ति भावुकता या फिर आ जाती है, और अत्यधिक भावुक व्यक्ति सदा ही भावों में लीन रहता है और वह कुछ नहीं कर सकता है, और इसके विपरीत इस पक्ष पर न ध्यान न देने से व्यक्ति में उचित संवेगों का विकास असंभव है और भावना से क्रिया करने में शक्ति मिलती है। गत्यात्मक या फिर क्रियात्मक या फिर उद्यात्मक बालक की चरित्र विकास में उद्यम मूलक पक्ष का विकास भी विशेष महत्व रखता है, और इसके लिए भी सभी उन सभी अवसरों का लाभ भी उठाया जाए जिससे कि जिसमें कि वह अपने उत्तरदायित्व को समझकर स्वतंत्र निर्णय
कर सके। फिर विकास की अवस्थाएं हैं। विकास की प्रक्रिया के अंतर बालक को विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना होता है और विकास की इन विभिन्न अवस्थाओं के संबंध में मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं है। और सामान्य से विकास की मुख्य अवस्थाएं निम्न है। पहले तो शैशव अवस्था, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की आयु, और इस अवस्था में शिशु को अपनी ही सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतः पालनकर्ता पर निर्भर होता है। और जन्मों उपरांत अन्य अवस्थाओं की तुलना में भी इस अवस्था में सबसे तीव्र वृद्धि और विकास होता है। बालिका और कुशलताएँ बालिका की कुशलताएँ और योग्यताएँ कई गुणा बढ़ती हैं और शिशु अवस्था के अंत तक वह चलने दौड़ने और शब्दों द्वारा भी अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने योग्यता का योग्य हो जाता है और स्वयं का खा सकता है। परिवार के सदस्यों में स्वयं को भी पहचानने लगती है और जानने पहचाने माहौल में आत्मविश्वास में घूमने का भी लग जाता है। बाल्यावस्था 5 अथवा 6 वर्ष की आयु से लेकर के 11 और 12 वर्ष की आयु तक बाल्यावस्था में बालक शैशवावस्था दौरान प्राप्त कुशलताओं में अपनी पूर्ण निपुणता लाता है, बढ़ाता है और नए कौशल भी सीखता है। और यही समय है कि जब शरीर के अंगों का समन्वय सुधरता है। और बाल्यावस्था के दौरान भी बालक व्यवहारों के ढंग भी सीखता है जो कि समाज में मान्य है। और बालक परिवार के अलावा भी अन्य कई बाहरी लोगों से मिलता है और उनके उनसे लगाव भी बढ़ाता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो उसके सोचने की क्षमताएं भी परिपक्व हो जाती हैं और उसे यह एहसास होता है कि वह बहुत ही कुछ कर सकता है और स्वयं कार्य कर पाना उसे आत्मविश्वास की भावना प्रदान करता है कि वह बहुत ही कुछ कर सकता है और स्वयं कार्य कर पाना उसे आत्मविश्वास की भावना प्रदान करता है। किशोर अवस्था 12 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक यह अवस्था यौवना आरंभ की अवस्था होती है। इसमें शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से होता है और उसके परिणाम से भी ऊंचाई और वजन तेजी से बढ़ता है और द्वितीयक यौन विशेषताएं भी प्रकट हो जाने लगती हैं। लड़कों में दाढ़ी का आना और लड़कियों में वक्षस्थल का विकास और इसके उदाहरण हैं। लड़कियों में यौवन का आरंभ और लड़कों की अपेक्षा पहले होता है और तेज शारीरिक परिवर्तनों के कारण भी संवेदना के स्तर पर पुनः समायोजन की आवश्यकता होती है। और इस उम्र में उम्र साथी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और किशोर अपने समूह के नियमों में संहिता का पालन करते हैं। कभी कभी तो हम उम्र व्यक्तियों की मान्यताएं भी परिवार की मान्यताओं से अधिक ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पौरुषावस्था एवं वयस्क या फिर वयस्क 18 वर्ष के उपरांत आयु 18 वर्ष की उम्र के बाद में व्यक्ति वयस्क कहलाता है। और एक व्यक्ति को वयस्क मानने के लिए विभिन्न विभिन्न मानदंड हो सकते हैं। एक मानदंड आर्थिक सामर्थ्य और दूसरा वैवाहिक जीवन और प्रारंभ करना हो सकता है। वयस्कता की सामाजिक और कानूनी परिभाषा भी है और दूसरा वैवाहिक परिभाषा भी है। और कानूनी तौर पर लड़कों में लड़कियों के विवाह की उम्र क्रमशः 21 साल व 18 वर्ष है और वयस्कता अवस्था शारीरिक परिवर्तन लगभग पूरे हो चुके होते हैं और व्यक्तित्व परिपक्व हो जाता है और ये सभी परिवर्तन क्रमिक और निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। फिर ईबी हरलॉक ने विकास की अवस्थाएं इस प्रकार से बताई हैं। एक तो गर्भाधान काल, जन्म से पहले की अवस्था, गर्भ धारण करने से जन्म तक का काल। फिर शैशव अवस्था, जन्म से लेकर के 2 सप्ताह यानी 14 दिन। फिर शिशुकाल 2 सप्ताह से 2 वर्ष। बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष या 12 वर्ष। और पूर्व बाल्यावस्था 6 वर्ष तक और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक। किशोर अवस्था जो है 12 अथवा 13 वर्ष से 20 तथा 21 वर्ष। प्रारंभिक किशोर अवस्था जो है लड़के 12 से 15 वर्ष और लड़कियां 11 से 14 वर्ष। और पूर्व किशोर अवस्था जो 16 वर्ष से 19 वर्ष और उत्तर किशोर अवस्था 20 वर्ष से 21 वर्ष। कौल मादे ने विकास की अवस्थाओं का उल्लेख निम्न प्रकार से किया है। एक तो शैशव अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक और फिर है प्रारंभिक बाल्य अवस्था 2 से 5 वर्ष तक। गह मध्य बाल्य अवस्था लड़के 6 से 12 वर्ष तक, लड़कियां 6 से 10 वर्ष तक। और गह पूर्व किशोर अवस्था या फिर उत्तर बाल्य अवस्था लड़के 13 वर्ष से 14 वर्ष और लड़कियाँ 11 से 12 वर्ष तक। और रहे आरंभिक किशोर अवस्था लड़के 15 से 16 वर्ष तक और लड़कियां 12 से 14 वर्ष तक। फिर छह मध्य किशोर अवस्था लड़के 17 से 18 वर्ष तक, लड़कियां 15 से 17 वर्ष तक। और छह उत्तर किशोर अवस्था लड़के 19 से 20 वर्ष तक, लड़कियां 18 से 20 वर्ष तक। फिर जो आरंभिक प्रौढ़ अवस्था जो 21 से 34 वर्ष तक और छह मध्य प्रौढ़ अवस्था 35 से 49 वर्ष तक। और गणा है उत्तर प्रौढ़ अवस्था जो होती है 50 से 64 वर्ष तक और आरंभिक वृद्ध अवस्था होती है 65 से 74 वर्ष तक। और थह वृद्ध अवस्था जो है 75 वर्ष से आगे की आयु। काल स्तनिक के द्वारा बताई गई विकास की प्रमुख अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहले तो गर्भाधान से जन्म तक के जन्म से पूर्व की अवस्था और दूसरा है शैशव अवस्था जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक और तीसरा प्रारंभिक शैशव अवस्था 1 से 5 महीने तक और चौथा उत्तर शैशव अवस्था 15 से 30 महीने तक और पांचवा पूर्व बाल्यावस्था 30 महीने से 5 वर्ष तक और छठा मध्य बाल्यावस्था 5 वर्ष से 9 वर्ष तक और सातवा है उत्तर बाल्यावस्था 9 वर्ष से 12 वर्ष तक और आठवां किशोर अवस्था 12 से 21 वर्ष तक। प्याजे वे बुर्नर द्वारा दी गई विकास की अवस्थाएं हैं। प्याजे वे बुर्नर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं पर विशेष रूप से कार्य किया है और उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास के अन्य विकासों की तरह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। अवस्था स्ट्रेच जो कि प्याजे ने अवधि कहा है, ये अवस्थाएँ हैं। एक तो इंद्रिय गति अवधि जन्म से 1.5 वर्ष तक और पूर्व क्रिया अवधि
जो है 1.5 वर्ष से 7 वर्ष तक, और मूर्त क्रिया अवधि होती है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, और फिर है औपचारिक क्रिया अवधि होती है 12 वर्ष से 18 से 21 वर्ष तक या फिर आगे, और फिर है इंद्रिय गति अवधि ये 0 से 1.5 वर्ष तक है। और फिर प्याजी के अनुसार ही शिशु सक्रिय होता है तथा वह व्यवहार करना भी प्रारंभ करता है, और वह अपने परिवेश की विभिन्न विशेषताओं में अंतर करना भी शीघ्रता से सीखता है तथा वह अपने व्यवहारों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी करता है। वस्तुतः उसके कार्यों से उसकी बुद्धि का भी पता चलता है, और इस अवधि में शिशु में विशेषताएँ निम्नवत दिखाई देती हैं। विकास सहज क्रिया से इंद्रिय गति की ओर भी अग्रसर होता है, और इंद्रिय गति अवधि में शिशु का व्यवहार भी सहज ही होने लगता है, और व्यवहार प्रारंभ करता है, और वह अपने परिवेश की विभिन्न विशेषताओं में अंतर करना सीखता है, और तथा वह अपने व्यवहार में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। वस्तुतः उसके कार्यों में उसकी बुद्धि का भी पता लगता है। इस अवधि में शिशु में विशेषताएं निम्नवत दिखाई देती हैं। विकास सहज क्रिया में इंद्रिय गति की ओर भी अग्रसर होता है। इंद्रिय गति अवधि में शिशु का व्यवहार सहज प्रक्रियात्मक होता है, और इस अवधि में सूचना पकड़ना व रोना आदि सहज क्रियात्मक होते हैं। शिशु ज़्यादातर अपनी जन्मजात शक्तियों के माध्यम से भी कार्य करता है। इसी अवधि में शिशु के विभेदीकरण की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, और अंतर करना या पहचान करना शिशु में इंद्रिय गति बुद्धि का संकेत देता है। इंद्रिय गति कार्यों में समन्वय, इस अवधि में हाथ मुंह तथा हाथ आँख में समन्वय प्रकट होने लगता है। शिशु एक वस्तु को पकड़ने, लक्ष्य की ओर बढ़ने तथा ध्वनि को अनुकरण करने योग्य हो जाता है। देखने, सुनने, स्पर्श करने तथा स्वाद लेने के कार्य समन्वित हो जाते हैं। शिशु धीरे धीरे जिस वस्तु को देखता है उसे छूना या फिर ध्वनि को सुन करके उस तरफ देखना सीख जाता है। शिशु भावी घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान करना सीखता है, और उसे जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अनुकरण करना तथा एवं वस्तुओं के स्थायित्व के संबंध में विचार, शिशु में व्यवहारिक बुद्धि का होना। पूर्व क्रिया अवधि 1.5 वर्ष से 7 वर्ष तक, यह अवधि पूर्व क्रिया अवधि इसलिए कही जा सकती है क्योंकि इस अवधि में बच्चे की तार्किक क्रियाओं का जो है पूर्ण विकास नहीं होता है। इस अवधि में विकास इंद्रिय गति कार्यों से पूर्व तार्किक चिंतन की ओर अग्रसर होता है। इस अवधि की 2 उप अवधियां, पहले तो आत्म केंद्रित अवस्था 1.5 वर्ष से 4 वर्ष तक तथा दूसरा सहज बुद्धि अवस्था 5 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था की विशेषताएं निम्न बताएं, पहले तो मौखिक भाषा का या फिर तीव्र विकास, बच्चे के चिंतन पर प्रत्यक्षीकरण का प्रभाव, और इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है, और सजीवतावाद, इस अवधि में बच्चा यह मानता है कि चीज़ें इसलिए जीवित हैं क्योंकि वे घूमती या फिर चलती फिरती हैं। बच्चे काल्पनिक चीज़ों को भी वास्तविक मानते हैं। और तीसरा मूर्त क्रिया अवधि 7 से 12 वर्ष, और प्याजे ने संज्ञानात्मक संक्रियाओं को क्रियाओं की संज्ञा दी है। इस अवस्था में बालक संज्ञानात्मक क्रियाएं करने योग्य हो जाता है। वह मूर्त समस्याओं का समाधान तर्क के आधार पर भी निकालने में समर्थ हो जाता है। इस अवधि की प्रमुख विशेषताएं निम्न अनुसार हैं, पहले तो मूर्त वस्तुओं समस्याओं के लिए भी तार्किक चिंतन एवं दूसरों की राय और विचार स्वीकार करना, और संरक्षण के नियम को समझना एवं विचारों का विकेंद्रीकरण करने में पीछे की ओर ले जाने की क्षमता, वर्गीकरण समूहीकरण तथा वस्तुओं का क्रम से जमाने की क्षमता, फिर चौथा औपचारिक क्रियाकाल 12 वर्ष एवं आगे। यह अवस्था जो है संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था की विशेषताएं निम्न बताएं, पहले तो बच्चे की मानसिक संक्रियाओं में उचित स्तरीय संतुलन आना तथा औपचारिक चिंतन का तार्किक एवं व्यवस्थित होना, फिर समस्या के समाधान में तार्किक चिंतन का उपयोग, और समस्याओं के समाधान में अमूर्त नियमों का उपयोग, और काल्पनिक अमूर्त एवं भावी समस्याओं के बारे में चिंतन, फिर शैक्षिक निहितार्थ, शिशुओं को अनुकरण द्वारा सीखने के अवसर दिया जाए और बालकों के सामान्य विकास को अच्छी तरह से समझाया जाए, विविध प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाए, बच्चों की जिज्ञासा की संतुष्टि का हर संभव प्रयास किया जाए, बच्चों के लिए भी शिक्षा को आनंददायिनी बनाया जाए, और शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना होना जरूरी है जो कि कुछ नया कर सकें, जो कि सृजनशील हों और अन्वेषक हों, और अध्यापकों को बालकों की चिंतन प्रक्रिया को समझना चाहिए, और फिर पाठ्यक्रम लचीला बनाया जाए जो कि विविधता लिए हो और समृद्ध हो, फिर अधिगम के लिए भी बच्चों को करके सीखने पर भी जोर दिया जाए, और ये क्रिया से आधारित शिक्षण विधियां अपनाई जावें, बच्चों को उनकी सीमाओं से भी अधिक सीखने पर जोर दिया जाए, फिर समस्या समाधान व्यवहारों को प्रोत्साहित किया जाए, और मूल्यांकन की अवधारणा में बदलाव किया जाए, और इसका उद्देश्य शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना होना चाहिए। विकास के सिद्धांत हैं और प्रतिपादक हैं, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है फ्रायड और प्रतिपादक थे फ्रायड, और फिर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पियाजे, और मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एरिकसन, और भाषा विकास सिद्धांत के हैं चोमस्की, और नीति विकास सिद्धांत के हैं कोहलबर्ग। अभिवृद्धि व विकास के अंतर हैं,
अभिवृद्धि और विकास, पहला तो अभिवृद्धि, वृद्धि की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि संपूर्ण जीवन भर ना चल करके एक विशेष आयु तक ही जारी रहती है और इसके पश्चात शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। फिर विकास, इसका विकास की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो कि जन्म से लेकर की मृत्यु तक चलती रहती है और यह शारीरिक परिपक्वता ग्रहण करने के पश्चात भी जारी रहती है। और फिर अभिवृद्धि, दूसरा वृद्धि शब्द का प्रयोग भी अधिकतर परिमाण या फिर मात्रा पर परिवर्तनों के लिए भी किया जाता है, और अर्थात व्यक्ति व्यक्ति के कद, भार, आकार आदि के आए में आए हुए परिवर्तनों को वृद्धि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इसी प्रकार से विकास शब्द में न केवल मात्रा है परिणाम संबंधी परिवर्तनों के लिए भी प्रयोग होता है, बल्कि यह बालक के व्यक्तित्व के सभी सभी पक्षों में उन्नति के लिए भी प्रयुक्त होना है होता है, अर्थात इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक पक्ष शामिल होते हैं। फिर तीसरा, वृद्धि की प्रक्रिया को विकास की संपूर्ण प्रक्रिया का एक चरण कहा जा सकता है, अतः वृद्धि शब्द बहुत ही सीमित अभिप्राय के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, जबकि विकास शब्द स्वयं में बहुत ही विस्तृत शब्द है। वृद्धि इस प्रक्रिया की ही एक उप प्रक्रिया कही जा सकती है जिसमें कि सभी प्रकार की उन्नति शामिल रहती है। और फिर नेक्स्ट, वृद्धि की प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट देखा जा सकता है, इन्हें मापा तथा तोला भी जा सकता है, और जैसे कि बालक का भार, कद आदि, और इसी प्रकार से कि नहीं विकास का गुणात्मक पक्ष होने के कारण भी दृष्टिगोचर हो नहीं सकता, और लेकिन यह इन्हें महसूस किया जा सकता है, और ऐसा हम व्यक्ति के व्यवहार में आए परिवर्तनों के निरीक्षण द्वारा भी कर सकते हैं, और विकास को हम किसी भी मापनी द्वारा माप हुआ या फिर तोल नहीं सकते। अरे, वृद्धि शब्द शरीर के किसी भी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, जबकि विकास शब्द व्यक्ति के व्यक्तित्व में संपूर्ण परिवर्तनों को संयुक्त रूप से भी प्रकट करता है।